युद्ध स्तर पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना ये पुल जैसे ही धराशायी हुआ, अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखे। अचानक से हुए हादसे की वजह से कई लोग पुल से सीधे नदी में जा गिरे, तो वहीं कई लोग पुल से लटके नजर आए। इस भयावह हादसे ने हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जो तैरना जानते थे वो नदी पार करते दिखे, तो वहीं जो पुल पर लटके हुए थे वो केबल के सहारे अपनी जान बचाते नजर आए। जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों की टीम बोट के साथ मच्छू नदी में उतर गई और फिर एक एक कर लोगों को नदी से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। और बताया गया कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त उस पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, जिसका वजन पुल नहीं झेल पाया और टूट गया। और इसी के साथ तस्वीरें भी हम आपको आप दिखाते हैं। ये पुल केबल पर बनाया गया था जो मच्छू नदी के ऊपर से गुजरता है। जब ये हादसा हुआ तो कई लोग नदी में गिर गए, जिससे कई लोगों की जान चली गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बचा भी लिया। 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जिला तंत्र राज्य सरकार के द्वारा खासतौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहां पे पहुंचाई गई। और ख़ास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, नदी में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाता रहा। वहीं मौके पर कई एम्बुलेंस बुला ली गई और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलते ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंच गए, जिनके आदेश पर बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाता रहा। और अब आपको बताते हैं कि मोरबी में कैसे हादसा हुआ और क्यों मौत हुई। पुल टूटने के बाद जहां पर लोग नदी में गिरे वहां पर 15 फीट से ज्यादा पानी था। हालांकि कुछ लोग तैरकर नदी से बाहर आ गए, लेकिन कई लोग पुल पर ही अटक गए। साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि पिछले 6 महीने से इस केबल ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा था। और इसी के साथ कुछ रोज पहले ही 2 करोड़ रुपए की लागत से पुल की मरम्मत का काम भी पूरा हुआ था। इतना ही नहीं, दिवाली के एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो आपको बता दें, मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मन करुणा से भरा, मोरबी घटना बेहद दर्दनाक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राहत बचाव में कोई कमी नहीं आएगी। हादसे के बाद पीएम मोदी लगातार मौके पर मौजूद सीएम भूपेंद्र पटेल से पल पल की अपडेट लेते रहे। तो वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली, फौरन राहत बचाव दल को सक्रिय करते हुए मौके पर पहुंचने के आदेश दिए, जिससे नदी में जिंदगी के लिए जंग कर रहे लोगों को रेस्क्यू टीम ने वक्त रहते बचा लिया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले
सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इस हादसे के बाद न सिर्फ लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया बल्कि गुजरात सरकार ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया और मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी जो ये पता लगाएगी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और क्या खामी रह गई। वहीं जिस कंपनी पर इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी उस कंपनी के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पिछले 6 महीने से केबल ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा था। ब्रिज की मरम्मत में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। 25 अक्टूबर को पुल खोला गया था। वहीं अब इस हादसे के वक्त पुल पर सवार लोगों ने क्या कुछ देखा और हादसे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जो कि उस वक्त वहाँ पुल पर थे, मौजूद थे। इनके हाथ में आप देख सकते हैं वो टिकट भी है और माफ़ी के साथ मैं हालांकि बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही हूँ ताकि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये पास इनके हाथ में है जिसे टिकट हम कह रहे हैं और इसी को लेकर के ये अंदर पुल के ऊपर चढ़े थे, पर बदकिस्मती कि पुल पर चढ़ने के बाद आप मुलाकात इनसे आपकी यहाँ हॉस्पिटल में हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मारू नाम अश्विन अर्जुन भाई सतवाला। कहाँ के रहने वाले? मोरबी रहने वाला हूँ। अच्छा, पुल पर आप अकेले गए थे? नहीं, मैं और मेरा दोस्त प्रकाश दोनों गए थे। प्रकाश अभी कहाँ है? प्रकाश ये रहे। क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? हम 5:30 पर पुल गए, पुल पर गए और टिकट दोनों दो टिकट लिए 5:30 पर पुल गए। वो पुल वो सामने चल गए हम। वो 500-700 जना पुल पर था और 15-20 जना 25-30 वर्ष की उम्र का था। वो पुल के बीचों बीच वायड़े मस्ती करता था और एक बीजा झाड़ी पर लत लगा रहा था और धक्का बक्का मार रहा था। वो चलने नहीं देते थे इधर से। ये 15-20 लोग काम कर रहे थे, 15-20 लड़के थे। 15-20 लोग पुल के बीचों बीच खड़ा गए ना, वो लोग सब लोग चलने देते थे। वो इधर से इधर नहीं आते थे, उधर से उधर नहीं आते थे, इसलिए सब लोग पुल पर आ गए। पुल पर आ गए ना, इसलिए अचानक से 3 बार आवाज आया। पहली बार थोड़ा आवाज आया, दूसरी बार इसके, और तीसरी बार जब आवाज आया ना तब पुल टूट के पानी में सब लोग गिर गए।